खलील हाशमी भाई का सवाल है, एक मस्जिद में दोबारा जमात हो सकती है? जी हाँ हो सकती है। मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा के अंदर सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, देखा तो एक बंदा पीछे से आया जिसकी जमात रह चुकी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया मैं यता सद्दा को अला हादा, इस बंदे पर सदका कौन करेगा? तो जिस बंदे जिन लोगों ने पहले नमाज पढ़ी हुई थी रसूलुल्लाह सल्लम के साथ जमात फजर की, उनमें से एक बंदा उठा और उसने उठकर इसके साथ जमात करवाई जो जमात से रह गया था। ये दोबारा जमात हुई है और रसूलुल्लाह सल्लम की मौजूदगी में हुई है और आपके सामने हुई है और आपकी तरगीब देने से ये जमात हुई है। ये दलील है इस बात की कि मस्जिद में दोबारा जमात हो सकती है। लेकिन एक बात जहन में रखना जरूरी है, अजान सुनकर बंदा अपनी दुकान पे अपने कारोबार में अपनी गप्पों में मसरूफ रहे और कहे कि मैं बाद में जाकर जमात करवा लूंगा, ये जायज अमल नहीं है। ये जो बाद में आकर दूसरी जमात है ना, ये उस शख्स के लिए है जो किसी शरीयी उजर की वजह से लेट हो गए, वो आकर करवाएगा, लेकिन आदत बनाना है इसकी कि बाद में जाकर अपनी जमात करवा लेंगे, जमात जुबूत नमाज भी नहीं होती इसे।